हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी सी ये पालक की सब्जी। ये हमने पालक दो गुच्छी लेकर अच्छे से धोकर साफ करके उसको ब्लांच कर लिया है, उबाल लिया है, इसको काटा नहीं है, बस ऐसे ही मोटा मोटा करके डाल दिया है। और ये हमने चार प्याज ली हैं, पांच टमाटर लिए हैं और ये लहसुन है, दो टेबल स्पून के करीब कटा हुआ लहसुन है। और यहाँ मैंने इतना सारा क्यों लिया है पालक के लिए, क्योंकि मैं दाल और पालक का तड़का साथ में बना रही हूँ। तो अगर आपको बहुत जल्दी है किसी के लिए, एक दाल और पालक पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो कैसे उसका तड़का बनाएं और कैसे उसको बनाएं, उसको बताने के लिए मैं आज आपको बता रही हूँ। ये हम कढ़ाई में डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल और इसको पहले अच्छे से ना गर्म कर लेंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ और ये देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसको थोड़ा सा एक बार ठंडा होने दें, फिर हम तड़का तैयार करते हैं, नहीं तो तड़का जो है वो जल जाएगा। गैस ऑन कर दी है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा जीरा, एक चम्मच जीरा डाल दिया है। और हम इसके साथ में डालेंगे कटा हुआ लहसुन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और गैस को सिम करके ना हम इसको भुनने देंगे, गैस सिम करके लहसुन को हम भुनने देंगे, जितना अच्छा भुना होगा उतना ही अच्छा सब्जी बनेगी। और यहाँ देखिए भैया ने मुझे बताया था कि अगर आप वो करछी लगाएंगे ना जिसका फ्लेवर उतना नहीं आता है, अब ये एक टिप है, तो ऐसे घुमा घुमा कर ही ना हम इसको लहसुन को सेक लेंगे। और अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज, ये देखिए प्याज हमने डाल दिया है और प्याज भी हमें अच्छा ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसके कारण सब्जी का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। ये देखिए टमाटर को हमने पीस लिया है, मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है जब तक हमारी प्याज भुन रही थी। और साइड में हमने कुकर में अरहर की दाल चढ़ाई है, दो छोटी कटोरी, क्योंकि मेंबर जो हैं वो ज्यादा हैं। और इसको अच्छे से धो के साफ करके हल्दी नमक डाल के हमने दाल को चढ़ा दिया है, जिसमें तीन विसल हमने लगा दी है। तो आइए खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल ये घुट के तैयार है। बहुत जल्दी से इसमें दोनों चीजों का तड़का हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ये लगने वाली है। देखिए कितनी बढ़िया दाल है ये। जब प्याज ऐसी भुन जाए ना, इतनी ब्राउन हो जाए, तब हमें टमाटर की प्यूरी डालनी है। ये देखिए बहुत अच्छे से जब प्याज भुन जाएगी ना, तब हमें ये टोमेटो प्यूरी डालना है। और मस्टर्ड ऑयल में मैंने कच्ची घानी के मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, मस्टर्ड ऑयल भी खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसमें जरूर ट्राई करके देखिए। अदरवाइज आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। इसको अब अच्छे से पकने देते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, टमाटर डालने के बाद हमें नमक डाल देना चाहिए, इसकी खटास भी कम होती है। अब हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, किचन किंग डाला है और धनिया डाला है। अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी रेड चिली, जिससे कलर आएगा अच्छा सा। और बस, और कोई ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और इसके भुनने की इंतजार करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए पालक पिस गया है और कुछ इस तरह का लग रहा है, कितना ग्रीन कलर है, क्योंकि हमने इसको ना विसल नहीं लगवाई है, ना ही हमने इसमें हल्दी डाली है। इसीलिए हम छौंक भी जो बना रहे हैं ना, उसमें हल्दी नहीं डाल रहे हैं, दाल में हल्दी ऑलरेडी डली हुई है। तो ये पालक इस तरह से हम पीस लेंगे, केवल पालक को ब्लांच करना है, पालक बहुत जल्दी से गल जाता है। ये देखिए तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से इसने घी छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको दाल में डालेंगे, थोड़ा सा तड़का इसमें दाल में हम डालेंगे। इसमें हमने तड़का डाल दिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ये दाल बनकर तैयार है ना, कलर भी अच्छा आ गया है। और आधा तड़का हमने इसमें डाल दिया है और आधा हम यूज करेंगे पालक के लिए। तो हमारी दाल डन, ये देखिए बहुत बढ़िया दाल है, बहुत हल्की हल्की। और इसमें डाल रहे हैं हम ये पिसा हुआ पालक और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए कितना सुंदर कलर है इसका आया है। पालक में नमक हम अब डाल रहे हैं, अभी हमने जो ब्लांच किया था उसमें कुछ भी नहीं डाला था।
इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। जब तक पालक पक रहा है ना, तब तक हमने इसमें मिक्सी में थोड़ा दूध डाल लिया है ताकि ये साफ भी हो जाएगा अच्छे से और हम उसमें डाल भी देंगे। तो ये आधा कप के करीब दूध है। ये देखिए 5 से 10 मिनट हमने अच्छे से इसको पकाया है, भुना है और अब हमने इसमें दूध डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से पक गया है। ये हमने 200 ग्राम पनीर के ऐसे पीसेस कर लिए हैं पालक में डालने के लिए। तो पालक ऑलमोस्ट तैयार है, अब हम डाल रहे हैं इसमें पनीर के पीसेस। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक पकने देंगे। अगर आप ज्यादा देर पनीर को पकाएंगे ना तो वो चीड़ा हो जाएगा, मतलब वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये रेडी है, आप ऊपर से घी डालकर खाइए। हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए प्लेटिंग करने के बाद हमारा जो पालक है, पालक पनीर और ये दाल, कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत सादा सा ये खाना है, सैलेड है और चपाती हम इसके साथ खाएंगे, तो है ना यमी, लग रहा है ना मज़ेदार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।